हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा जो है फ्रेंड अभी बहुत बड़ी एक नोटिस जो है यहां पे जारी किया है, जिसमें जो है फ्रेंड इसमें जेई डीएमएस और सीएमए की वैकेंसी के बारे में जो है इसमें बात किया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप 13/6/2024 के डेट में जो ये लेटर इशू किया गया है। इसमें जो है वैकेंसी के असेसमेंट को लेकर इसमें बात किया गया है, जो आपका जेई है, डीएमएस है, सीएमए है, ठीक है, इस सब के पोस्ट को वैकेंसीज़ को असेसमेंट के लिए OIRMS के पोर्टल पे अपलोड करने की इसमें बात कही गई है। तो फ्रेंड इसमें जो है क्या होता है, देखिए रेलवे का एक अपना पोर्टल होता है OIRMS, जिसमें जो है वैकेंसीज आने के पहले वैकेंसीज़ को असेसमेंट किया जाता है कि किस जोन से कितनी वैकेंसीज़ खाली है। ये रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोन को ये लेटर भेजा जाता है और वहाँ पर कितनी वैकेंसी आपका क्रिएट हो रही है, किस जोन से कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, इस पर जो है असेसमेंट करने को कहा जाता है और उसको जो है एक पोर्टल है रेलवे का अपना OIRMS, उसमें अपलोड करने के कहा जाता है। तो 2 मंथ पहले जो है एक नोटिस आया था, जिसमें जो है रेलवे बोर्ड द्वारा सभी रेलवे जोन को ये नोटिस दिया गया था कि आपके जो जोन है उसमें कितनी वैकेंसी जो है खाली है, उसके लिए यहाँ पे असेसमेंट करने को कहा गया था। तो अब ये जो है फ्रेंड असेसमेंट यहाँ पे कर लिया गया है और सभी जोन द्वारा जो है ये असेसमेंट करके यहाँ पे बताया गया कि हमारे जोन में कितनी जो है सीटें जेई की हो या डीएमएस हो, सीएमए का पोस्ट का कितना वैकेंसीज़ का यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये चलिए नोटिस को पूरा देखते हैं। फ्रेंड उससे पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ से रेलवे वैकेंसी से जुड़ी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए इसको नोटिस को देखते हैं क्या लिखा है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए, तो जेई के साथ ही जो है यहाँ पे 2 पोस्ट और आता है, डीएमएस का और सीएमए। ठीक है, आगे ये क्या होता है इसका मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये 2 पोस्ट का वैकेंसीज भी जो है साथ में आता है। तो इससे पहले जो वैकेंसी फ्रेंड आया था वो 2018 में आया था जेई का, उसके बाद कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ वैकेंसी की संख्या जो है आपकी अच्छी खासी यहाँ होने वाली है। ठीक है, नोटिस में आगे क्या लिखा देखिए, इंस्ट्रक्शन वेयर इशूड वाइड लेटर नंबर 2024 RB 25/7। तो यहाँ पे जो है लेटर जो रेलवे बोर्ड को प्राप्त हुआ तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जिस डेट में वो प्राप्त हुआ है, फॉर असेसिंग वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग डीएमएस एंड सीएमए एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट मतलब नॉन ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपके द्वारा जो रेलवे बोर्ड के द्वारा लेटर हमें प्राप्त हुआ है वैकेंसीज को असेसमेंट करने को लेके, जिसमें जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, इंक्लूडिंग यहाँ पे डीएमएस है, सीएमए है, प्लस यहाँ पे एनटीपीसी का भी वैकेंसीज का फ्रेंड यहाँ पे बात किया गया है एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज जो होता है ये भी 2018 में लास्ट वैकेंसी आया था पैरामेडिकल का, उसके बाद 2019 में आया था, उसके बाद कोई भी वैकेंसी जो यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो इस सब की यहाँ पे बात किया गया है। आगे क्या लिखा है देखिए, नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड टू फिल अप इंटायर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट मतलब डीएमए, ठीक है, डीएमएस, केमिकल एंड मेटालॉजिकल असिस्टेंट आपका सीएमए हो गया, केमिकल सुपरवाइजर सीएसआर होता है लेवल 7 का ये पोस्ट है आरडीएसओ में, ठीक है, मेटालॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 का ये भी पोस्ट है एज असेस्ड इन OIRMS बाय जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट अकॉर्डिंगली इंडेंट फॉर जेई डीएमएस सीएमए वैकेंसीज प्लेस्ड इन OIRMS। तो यहाँ पे फ्रेंड जो कहा गया है कि जेई डीएमएस और सीएमए का जो पोस्ट है इसका जो है वैकेंसीज को यहाँ OIRMS के पोर्टल पे प्लेस्ड यहाँ पे कर दिया गया है, अप्रूव्ड बाय बोर्ड आर एज अंडर। तो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो है यहाँ पे ये असेसमेंट कर दिया गया है। तो वैकेंसीज का यहाँ पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है जोन वाइज, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। PDF जो है यहाँ पे आप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड जूनियर इंजीनियर जेई का जो सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है इसमें आपका 7,346 पोस्ट है, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जिसको हम लोग DMS बोलते हैं इस पोस्ट आपका 398 है मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऑल ओवर रेलवे जोन में, केमिकल एंड मेटालॉजिकल असिस्टेंट CMA का पोस्ट आपको 150 है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 इन RDSO ये 5 यहाँ पे पोस्ट है, मेटालॉजिकल सुपरवाइजर लेवल 7 RDSO का पोस्ट यहाँ पे 12 है। तो टोटल यहाँ पे फ्रेंड आपका 7,911 मतलब कि लगभग 8,000 तक ये संख्या जा सकता है, मतलब 8,000 के आसपास यहाँ पे आपका जो JEE है और DMS CMA का पोस्ट जो है और यहाँ और जो 2 पोस्ट यहाँ पे है इसके बारे में यहाँ पे फ्रेंड बात किया गया, मतलब कि आपका 8,000 के आसपास आपका जो है वो वैकेंसीज़ यहाँ पे पोस्ट का निकला है। ठीक है, वैकेंसीज़ आपका यहाँ पे आ चुका है और ये वैकेंसी जो है जल्द ही आपको साइट पे भी देखने को मिल जाएगी। अभी ये OIRMS रेलवे के अपना जो पोर्टल है उस पर ये कॉन्फिडेंशियल तौर पर यहाँ पे अपलोड किया गया है, वहाँ पे से ये जो है PDF आपको प्राप्त हो जाएगा अगर वो आप
खोल पाते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट, नहीं तो आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दिया। आगे क्या लिखे देखिए फ्रेंड, डिटेल रेलवे वाइज एक्सेल सीट इज इंक्लोज, यहाँ पे डिटेल रेलवे वाइज का वैकेंसी भी जो है वो इंक्लोज किया गया। फर्दर रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी सेल बी टेकन बाय आरआरबी विद आरआरबी भुवनेश्वर बीइंग द नोडल आरआरबी। तो यहाँ पे फ्रेंड जो आरआरबी भुवनेश्वर है उसको यहाँ पे नोडल आरआरबी के तौर पर बनाया गया, मतलब कि सारा जो वैकेंसीज का सीबीटी होगा, ठीक है, वो कौन कंडक्ट करवाएगा, आरआरबी भुवनेश्वर को इसकी जिम्मेवारी यहाँ पे दिया गया। जैसे पिछले बार शायद चेन्नई को यहाँ पे नोडल बनाया गया था 2018 वाला वैकेंसीज में, तो इस बार जो है यहाँ पे आरआरबी भुवनेश्वर को नोडल आरआरबी बनाया गया, ठीक है, हेड आरआरबी जिसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं राजीव गांधी एक्स डायरेक्टर ईआरआरबी है, इन्हीं के सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे क्या है फ्रेंड, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप जो है पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करके ज़रूर देख लीजिएगा सभी का। तो यहाँ पे देखिए आपका सेंट्रल रेलवे से, आपका सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे दो जोन आते हैं आपका, सेंट्रल रेलवे जोन में बिलासपुर मुंबई, तो टोटल यहाँ पे 758 सीट है। किस पोस्ट का ये, तो पोस्ट आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, सेफ्टी कैटेगरीज में आपका यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में टोटल 758 पोस्ट है। ईस्ट कोस्ट की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे 229 है। ईस्ट सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, पटना है, रांची बोर्ड है, तो टोटल या तीनों बोर्ड का मिला कितना जो है 313 यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात करें यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म लोग डालते हैं ईस्टर्न रेलवे, तो कोलकाता में आप तो 376 है, मालदा बोर्ड में आपका 105 है, टोटल यहाँ पे 481 पोस्ट यहाँ पे फ्रेंड है इसमें, तो ईस्टर्न रेलवे में आपका 481 पोस्ट यहाँ पे जेई का निकलेगा, जब भी वैकेंसी आएगा इतना निकलेगा। नॉर्थ सेंट्रल की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपका इलाहाबाद में आपका 319 है, गोरखपुर में 154 है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 203 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जेई सेफ्टी कैटेगरी का। इसी तरह सारा जो है यहाँ पे आगे आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी अगर बात करें केवल जेई का सेफ्टी कैटेगरी का बात करें तो 6121 पोस्ट जो है यहाँ पे जेई का निकलेगा, जिसमें आपका सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट होगा। किसका, तो ये जेई का वैकेंसी यहाँ पे आने वाला है, जिसका असेसमेंट फ्रेंड यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा कर दिया गया है। आपको जून के लास्ट में या जुलाई में आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए तो वो लोग ज़रूर अपना जो है तैयारी को बना लें, ठीक है, तैयारी करते रहें, आपका वैकेंसी जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस पोस्ट का या केमिकल एंड मेटालोजिकल असिस्टेंट का सीएम है नॉन सेफ्टी कैटेगरीज का, तो इसका भी यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेंट्रल रेलवे में यहाँ पर टोटल 158 पोस्ट है जेई का। डीएमएस का बात करें तो 125 है, सीएमए का बात करें तो 37 है। यहाँ पर ईस्ट कोस्ट का अगर बात करें तो यहाँ पर आपका टोटल जो है 21 पोस्ट यहाँ पर है। ईस्ट सेंट्रल की अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 20 है जेई के लिए, दो यहाँ पे पोस्ट आपका जो है वो है डीएमएस का, और यहाँ पे सीएमए का पोस्ट यहाँ पे नहीं है। ईस्टर्न की अगर बात करें ईस्टर्न रेलवे जोन में, तो ईस्टर्न रेलवे जोन में आपका टोटल जो है 61 पोस्ट आपका जेई का है, 59 पोस्ट आपका सीएमए का है, और डीएमएस का पोस्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल आप देख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ टोटल जेई का बात करें तो 1225 पोस्ट है, डीएमएस का बात करें तो 358 है, सीएमए का बात करें तो 150 है। तो यहाँ पे टोटल इस तरह से सेफ्टी कैटेगरी में अगर बात करें तो 1790 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे कितना था 6121 आपका था क्या नॉन सेफ्टी जेई कैटेगरी, और ये हो गया आपका सेफ्टी कैटेगरी जेई का ही जो है सेफ्टी कैटेगरी। तो टोटल इसको आप जो है ऐड कर लीजिएगा, आपको जो है यहाँ पे वैकेंसी का डाटा टोटल मिल जाएगा, ठीक है। आगे इसी तरह यहाँ पे आगे पैरामेडिकल स्टाफ का यहाँ पे जो था वैकेंसी उसके लिए भी यहाँ पे असेसमेंट कर दिया गया है, ठीक है। पैरामेडिकल का बात करें तो यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, यहाँ पे वैकेंसी 4 है, आपका क्लाइंट साइकोलॉजी है, डाइटिशियन है, सारा चीज़ का जो पोस्ट इसको आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसको रीअरेंज करके आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आगे पीछे करके यहाँ पे रीअरेंज किया गया है, तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो फ्रेंड इस तरह वैकेंसी जो है यहाँ पे आ चुका है, ये काफ़ी बड़ी जानकारी है, क्योंकि 2018 के बाद से फ्रेंड कोई भी वैकेंसी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला था जेई का। तो काफ़ी कैंडिडेट जो है जेई के लिए तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे जेई का वैकेंसी आने का, और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे एसएससी का भी जो है इंतजार कर रहे थे, बट यहाँ पे एसएससी
सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी का कोई भी बात यहाँ पे नहीं किया गया है। तो फ्रेंड जेई का यहाँ पे आ चुका है, तो एसएससी का हो सकता है कि आप आए या ना, बट यहाँ पे जेई का वैकेंसी जो है आपको जुलाई के लास्ट में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। फ्रेंड आशा करते हैं आपको जो है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो है जानकारी मिलता रहे। और भी इसके संबंध में कुछ आपको अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जवाब देने का जो है कोशिश किया जाएगा जैसे कि आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे का वीडियो में बताऊंगा कि आपका सीएमएस का जो क्या कैटेगरीज होता है, क्या पे स्केल होता है उसका, किस लेवल पे जो है वहाँ पे होता है, सारा कुछ जो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।